हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आ चुका हूं गाइस, मोटोरोला के E14 फोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक होने वाला है गाइस, क्या अपने फोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे ऑन करेंगे। एंड गाइस, आप अपने फोन में कैसे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जहाँ से आप अपने फ़ोन में गाइस ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहले अपन गाइस अपने फ़ोन की कॉलिंग को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी सेटिंग में चले जाना है। अब गाइस आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे देखिए नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एलवाइज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब गाइस आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑन हो चुकी है। अब गाइस आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसके ऑल नंबर पे भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे नंबर को चूज़ भी कर सकते हैं करके आपको जिस भी नंबर पे कॉल को रिकॉर्ड करना है उस नंबर पे, या फिर आप यहाँ से इसको ऑल रिकॉर्ड पे भी क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में गाइस ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड गाइस, आप अपने फ़ोन में डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग को, आप यहाँ से अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय।